हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बहुत ही स्पेशल लेके आए हैं आप लोग के लिए सब्जी का रेसिपी। देख सकते हैं केला का सब्जी है ये। केला का छिलका को हम अलग कर लेते हैं। केला का छिलका का जो रेसिपी होगा वो भी हम आपको अपलोड कर देंगे, पर आज के लिए आप केला का सब्जी रेसिपी देख सकते हैं। इसे मैं अच्छे से सारे छिलके को अच्छे से छील लेते हैं। इसी तरह से आप लोग छीलिएगा आराम से। अब इसके छिलके को अलग कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद हम केला को अच्छे से धोने के बाद अच्छे से काट लेंगे। सबको सेम साइज में बराबर से अच्छे से काटेंगे। आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये रेसिपी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग नहीं खाए हों तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देख सकते हैं मैंने प्याज को भी काट लिया है, इसमें प्याज भी पड़ेगा इसलिए मैंने प्याज को अच्छे से बारीक से काट लिया है। और लहसुन को मैं कूट लूँगी। उसके बाद आप तेल डाल दीजिए कढ़ाई में। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें फ़ौरन डाल दीजिए आप सारे गरम मसाला, भी डाल सकते हैं अच्छा रहता है। उसके बाद केला डाल के अच्छे से आप इसे चला दीजिए। इसे हल्का लाल होने तक हम पकाएंगे। इसमें दो खड़ी मिर्ची भी डाल देते हैं हरा वाला। ये देख सकते हैं हमारा लाल हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से लाल हो गया। आप लोग भी ऐसे ही लाल कीजिएगा ताकि अच्छा लगे खाने में। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि सारा अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाए। अब इसमें हल्दी पाउडर और लहसुन डाल देंगे कूटा हुआ। उसके बाद मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे। इसे हल्का फ्राई करेंगे। मसाला जब फ्राई हो जाए उसके बाद हम लोग इसको देख सकते हैं मसाला हमारा फ्राई हो गया है। इसको ढक के फ्राई कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला फ्राई हो चुका है। इसमें हल्का पानी डाल के चला देते हैं ताकि अंदर से चिपके ना। थोड़ा देर ढकने के बाद ये मसाला और अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बस 2 मिनट इसे पकाएंगे। उसके बाद हमारा रेसिपी रेडी हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये रेसिपी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग देखिए और खाइए और हमें बताइए। सी यू नेक्स्ट टाइम।